उसका जुनैद के साथ कोई लव अफेयर नहीं था, हल्की सी पसंदीदगी थी बस। जुनैद ने जब उसके बजाय नूर से शादी की ख्वाहिश की तो वो भी खत्म हो गई थी। अतिया प्लीज, इमाम की सफाई देकर उसकी इंसल्ट मत कर। उसे खो देने का अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। मुझे भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने भी उसे खो दिया। सलाम नहीं करूंगा क्योंकि तुम जवाब नहीं दोगे। जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब दियो। कुछ सवाल जिंदगी भर सवाल ही रह जाते हैं। दिन ब दिन तुम्हारी शायरी मुश्किल होती जा रही है। तल्फ भी। तुम्हारी मंगनी पे तुम्हें मुबारकबाद। तुम्हें बुरा लगा। अगर आज अफसोस करूंगा तो शायद तुम्हें तंस लगे। शायद नहीं, यकीनन। इमाम, मैं क्या तुमसे हमदर्दी नहीं कर सकता? नहीं। क्यों? अपने लगाए हुए जख्म पर कोई मरहम रखे या नमक छिड़के, तकलीफ तो एक सी होती है। मुझे दुख हुआ है तुम्हारी मंगनी टूटने का। मुझे नहीं हुआ कि मैं तो आधी सी हो गई। तुम्हें क्यों हुआ? इल्जाम मुझ पर आ। मैं खुश हुई कि तुम मेरी वजह से परेशान हो, क्योंकि तुम्हारा दुख तो तुम पे आने वाले इल्जाम की वजह से। हर कोई अपने दुख पर रोता है। हर कोई नहीं, सिर्फ आप जैसे कुछ। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कहीं। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कहीं।